मेकओवर देने वाली हूँ आप लोग को। बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा ये वीडियो देखते हुए। एक्चुअली बेसिकली ये होता है ना मेकओवर आइडियाज। कितना सुंदर देखिए, सच अ लवली एंड प्रीटी। देखिए ये तो मेकओवर हो गया है मेरा कंप्लीट। ये डाइनिंग का मेकओवर है, एक बार घुमा के दिखाओ रजत। ये पूरा वेलकम बैक टू द लास्ट लाइफ चैनल। आज ब्लॉग आप लोग को बहुत ज्यादा खास लगेगा क्योंकि स्पेशल क्योंकि है ब्लॉग ये लिविंग रूम एंड ये डाइनिंग एरिया में एक्चुअली मेकओवर देने वाली हूँ आप लोग को। बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा ये वीडियो देखते हुए। एक्चुअली बेसिकली ये होता है ना मेकओवर आइडियाज, कैसे कैसे मतलब आप लोग अपना खुद का घर ऐसी टाइप का वीडियो देख के इंस्पायर होके सजा सकते है। तो चलिए विदर एनी फर्दर अडू ये शुरू करते हैं। बेसिकली ये पूरा वीडियो दिखा दीजिए, यहाँ पर डाइनिंग एरिया, रजत ऐसे वीडियो उठा रहा है। तो ये डाइनिंग एरिया है हम लोग का, ऐसा टेबल है ग्लास का एंड ये शैंडेलियर है। यहाँ पर थोड़ा सा वो फोटो वॉल फोटोज है एंड वॉल फोटोज। और ये लिविंग रूम थोड़ा सा मेकओवर देखिए, ये बिफोर है, बिफोर आप देख लीजिए ऐसा है। देयर इज नो कुशन, ये सोफा के साथ ही जो कुशन है वहां पर। और यहाँ पर सेंटर टेबल में भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी उतना यूनिट में मतलब ये जो भी यूनिट बनाया हुआ है यहाँ पर भी ऐसा उतना सजाया नहीं है। और पर्दा भी देख लीजिए, ये बिफोर का मेकओवर मतलब बिफोर का ही दिखा रही हूँ, बिफोर सिचुएशन यू नो बिफोर मेकओवर। तो ये दिखा रही हूँ। तो चलिए अभी डाइनिंग से शुरू करते है, डाइनिंग सेक्शन के साथ। तो ये डाइनिंग एरिया में मैं सजा रही हूँ डाइनिंग टेबल को। ये 3486 ये बेसिकली टेबल रनर। तो टेबल रनर में ऐसे सजा के दिखा दी, कितना सुंदर देखिए, सच अ लवली एंड प्रीटी। देखिए तो यहाँ पर ऐसे खाली मैं कुछ रखूंगी नहीं, यहाँ पर कुछ दिखाऊंगी मैं कि आप लोग सजा सकते हैं। एंड बेसिकली ये इसमें ना ये मैं खरीदी थी वो भी IKEA से। तो ये इसमें ये कितना सुंदर फ्लेवर, सम आई डोंट नो ये क्या कहते एग्जैक्टली लुगनेर, तो इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और अच्छा डेकोरेशन का भी मतलब मौका देते हैं, आइडियाज देते हैं। तो ये मैं काट लेती हूँ यहाँ से, लेकिन बहुत अच्छा खुशबू निकल रहा है, बहुत अच्छा एरोमा निकल रहा है। ऐसा आप लोग IKEA से ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, IKEA चुंबक ये सब होम डेकोर या फिर होम सेंटर से भी आप लोग ले सकते हैं सिमिलर आइटम्स। अगर आप लोग IKEA नहीं जाना चाहते तो दिस आर बेसिकली वेरी सेंटेड। ये देखिए कितना सुंदर लग भी रहा है, बहुत अच्छा खुशबू निकल के आ रहा है यहाँ से। और मैं कांच का एक बोल लूंगी, वहां पर भी डेकोरेट कर सकती हूँ। तो ये इतना तक ही लगा रखती हूँ। देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ का मैं सिचुएशन दिखा देती हूँ, यहाँ का मैं ये देखिए कैप ये नैपकिन का होल्डर है, बहुत सुंदर है, यहाँ पर रख सकते है। एंड यहाँ पर कुछ कुशन भी सजा दूंगी। तो बीच में तो ये ऐसा लगा दिया मैंने, तो सुंदर बोल जार। एंड ये साइड में भी लगा सकते, एक फ्लावर बस अच्छा लगेगा देखने में। एंड चलिए ये कुशन भी मैं कर लेती हूँ, ऐसा ये बीच में रहेगा, साइड में लगा देती हूँ। तो बेसिकली डाइनिंग स्पेस मेकओवर रेडी है। तो बिफोर मैं दिखा दूंगी आफ्टर, देखिए इतना सुंदर लग रहा है, एकदम लाइवली लग रहा है। तो ये डाइनिंग रूम तो यहाँ पर है डाइनिंग एरिया के साथ, यहाँ पर ऑपोजिट साइड में एक हम लोग का क्रॉकरी यूनिट है जहाँ पर हम लोग का वाइन ग्लास, ऊपर का ग्लास या फिर जो जो देख रहे हैं एक सोवेनियर यूनिट
हम लोग मतलब तो सोविनियर सब कुछ रखते हैं जहाँ जहाँ घूमते हैं। हम लोग ऐसे कलेक्ट करना बहुत शौकीन है, मतलब बोल सकते हैं ये हॉबीज, पार्ट ऑफ आवर हॉबीज, वी कलेक्ट वेन एवर वी गो। और ये ऐसे दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर है यहाँ पर, देखिए अंदर अंदर कितना सुंदर है। यहाँ पर रिसेंटली पोर्टुगल का भी यहाँ पर लगाई हुई, यहाँ पर देख रहे हैं पोर्टुगल, क्योंकि पोर्टुगल में गई थी। ये देखिए लिवरपूल का भी एक सोविनियर लैम्प बनाना लेकर आई थी। एंड ब्लैकपूल जहाँ जहाँ गए थे, बहुत सुंदर है ना ये क्रॉकरी यूनिट। ये भी देखिए, ये बार्सिलोना, ये कितना सुंदर है ना। एक बार दिखा देती हूँ पूरा अच्छा से, बहुत सुंदर है। हम लोग को तो ये हॉबीज है कलेक्ट करना, कोई कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, कोई कोई कॉइन्स, अलग अलग हम लोग ये सोविनियर आइटम्स कलेक्ट करते हैं, ये हम लोग का हॉबीज है। और ये यहाँ पर खाली सोविनियर आइटम्स रखती हूँ मैं, एंड दिस पार्ट इज क्रॉकरी यूनिट। जैसे ऊपर देखते हैं पूरा कांच का वाइन ग्लासेस हैं, अलग अलग ग्लासेस है ये। हाँ, लंदन से लिया था ये, विंटर में घूमने गई थी विंटर में, तो ये लिया था। ये अलग अलग लंदन से भी है, बहुत सुंदर। ये पेरिस का फोटो है, डिज्नीलैंड देख रहे हैं। तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर हम लोग हाँ ये कलेक्ट करते हैं। हाँ तो चलिए दूसरा जगह भी दिखा देते हैं आप लोग को। तो ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर वर्स है, ये बहुत ट्रेंडिंग है। ये H&M होमवेयर से लिया था मैंने, तो चलिए इसको ये पहले ऐसे रखते हैं, ऐसे सजा के रखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और ये जो या तो शोपीस प्लस फ्लावर वर्स के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इतना सुंदर बुकेट रख दिया मैंने ऐसे, एंड यहाँ इस सेक्शन को भी सजा लेते हैं। अभी भगवान का भी ये देखिए कितना सुंदर मैंने शो पीस लिया था, ये एक्चुअली कैलकटा से लिया था। कितना सुंदर है ना, गणेश जी ऐसे स्विंग में झूला में बैठी है, तो ये इसमें सजा देते हैं। एंड इसमें भी लाइट जलता है, एंड यहाँ पर भी एक कैक्टस रख सकती हूँ। हाँ, पहले बुद्धा जी को भी यहाँ पर बैठा देती, ये भी कैलकटा से लिया था, कितना सुंदर है ना शो पीस। तो ये यहाँ पर रखते हैं इसके सामने, ये से रखते हैं कैंडल होल्डर। एंड ये देखिए, ये एक्चुअली यूके का प्राइमार्क से लिया था, ये बहुत सुंदर था मुझे देखने में, तो ये यहाँ पर रखूंगी। और ये तो आप लोग जानते होंगे, ये यहाँ पर लाइट भी जलता है LED। ये लिया था कॉस्को से, तो मैं ये इतना अच्छा पीस यहाँ पर ही रख देती हूँ। और घड़ी थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ ताकि ये दूसरा दिखे। और इसमें भी फाउंटेन जलता है ये बुद्धा में। एंड इसमें मैं आईफिल टावर रखूंगी, ये सब कुशन कवर मैंने चुंबक से लिया था। एंड कुशन तो कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी कहीं से खरीद सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर रखूंगी, एंड ये भी चुंबक से कितना सुंदर, ये कुशन के साथ ही आया था चुंबक के साथ, ये यहाँ पर सजाऊंगी। एंड रानी जो है इसके साथ एक सेट में आता है, ये देखिए रानी और राजा, रानी एंड राजा यहाँ पर सजा रही हूँ। तो देखिए कैसा लग रहा है ये डाइनिंग लिविंग रूम, ये ऐसा सजा दिया। अभी सेंट्रल टेबल सजाऊंगी, एक सेकेंड। यहाँ पर छोटा सा एक कांच है ना, यहाँ पर छोटा सा, एक सेकेंड। कितना सुंदर लेक डिस्ट्रिक्ट से लिया था, तो कांच के ऊपर सुंदर भी अलग है। ये मयूर पंखी जो होल्डर देख रहे हैं, ये लिया था IKEA से, रिसेंटली खरीदा था। एंड ये कैंडल होल्डर रख देते हैं,
कितना सुंदर फीलिंग दे रहा है। और ये पर्दा भी चेंज होगा अभी पर्दा। एंड यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फ्लावर बस हम लोग यूके से खरीदा था, ड्यूनलम एक ब्रांड था। एंड फ्लावर तो इकिया से लिए। अभी आईफिल टावर ये पेरिस से लिया था तो यहाँ पर रख देते हैं। एंड ये फ्लावर बस को मुझे कहीं भी रखना चाहिए तो मैं देखती हूँ कहाँ रखूँ। बहुत सुंदर फ्लावर बस है, फ्लावर एंड फ्लावर बस, ये देखते हैं मैं कहाँ पर रखूँ। तो मैंने ऐसा देखिए दोनों फ्लावर बस यहाँ पर रख दिया टीवी के पास में, बहुत सुंदर लगता भी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये फ्लावर है इकिया से, ये अलग अलग कलर का मिलता है ये देखिए। और ये भी अलग और फ्लावर, ये फ्लावर बस ये होम सेंटर से शायद लिए थे लास्ट पिछले बार। एंड ये तो यूके का है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी पावारी है पर्दा, पर्दा अगर हो जाएगा तो फुल मेकओवर हो जाएगा। और कहीं ये एक्चुअली मेकओवर आइडिया से लिविंग एरिया, लिविंग एरिया आप लोग आसानी से विदाउट यू नो होता है ना कि कम बजट में भी आप लोग कर सकते हैं इकिया एंड होम सेंटर से लेकर। और चलिए पूरा ये पर्दा देने के बाद फुल मेकओवर दे देती हूँ। ये तो मेकओवर हो गया है मेरा कंप्लीट, ये डाइनिंग का मेकओवर है। एक बार घुमा के दिखाओ रजत, ये पूरा इवेलाई ऊपर से। हाँ ये लिविंग रूम का मेकओवर है, जैसे आप लोग देख रहे कर्टन्स भी चेंज हो गया है, यहाँ पर सेंटर टेबल, यहाँ पर पूरा टीवी यूनिट कितना सुंदर से सजाया है। हम लोग का घर बहुत मतलब सुंदर से प्यारे से सजाया है। और आप लोग का अगर ये वीडियो स्पेशली मेड फॉर यू गाइस अगर इतना अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कॉमेंट बिलो कोई भी चेंजेस लाऊं क्या नहीं लाऊं घर में, तो कमेंट बिलो। ये है हम लोग का सुंदर घर तैयार।